वेब सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बागेश्वर बाबा पर बोले नीतीश कुमार, हिंदू राष्ट्र का बयान संविधान का उल्लंघन, मीडिया को लिख देना चाहिए। दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू, धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से किया इनकार। आरजेडी विधायक के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, सीबीआई छापा पर जेडीयू का हमला, पालतू तोते यही सब करते रहेंगे। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे बागेश्वर बाबा, दर्शन के बाद बोले बहुत ही अद्भुत स्थान है। तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत, विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। इफ्तार में जाते हैं तेजस्वी, बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में नहीं, बीजेपी ने बताई वजह। सम्राट चौधरी बोले नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह टूट गया है। गया में गश्ती दल की जीप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 5 जवान घायल। समस्तीपुर सड़क हादसे में 6 पुलिसकर्मी जख्मी, एएसआई की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको आश्चर्य होता है जो ऐसा बोलते हैं, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं, सबको अपने ढंग से पूजा का अधिकार है, सब धर्म मानने का अधिकार है। आजादी की लड़ाई कौन लड़े थे, संविधान सबकी सहमति से बना था। हमको आश्चर्य होता है जो ऐसा बोलते हैं, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस देश में 7 धर्म है, पारसी तो बहुत कम है। जो अपनी मर्जी से बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मीडिया लिख देगा कि ऐसा बयान संविधान का उल्लंघन है तो अच्छा होगा। वहीं विजय चौधरी ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, ना कि दिखावे का। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। मेडिकल चेकअप के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ऐसी भी चर्चा है कि दिल्ली से वे एक बार फिर सिंगापुर जा सकते हैं। दिल्ली जाने से पूर्व उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत की। लालू यादव ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का अब सफाया हो जाएगा। बता दें कि एक दिन पूर्व ही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कथा सुनने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था। लालू परिवार के करीबियों पर आज सीबीआई की छापेमारी हुई। बिहार और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर रेड पड़ी है। बालू ठेका में गड़बड़ी और लैंडफॉल स्कैम मामले में शिकंजा कसा गया है। जिन लोगों पर छापेमारी की जा रही है उनमें भोजपुर जिले के संदेश से आरजेडी एमएलए किरण देवी का नाम सामने आया है। इनके पति और पूर्व विधायक अरुण यादव बालू के कारोबार से जुड़े रहे हैं। पटना और भोजपुर में इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं आरजेडी सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता के दिल्ली और एनसीआर ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड हुई है। आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव की आवास सहित कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। इसको लेकर आरजेडी के साथ जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनके पालतू तोते यही सब करते रहेंगे, इनके इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी छापेमारी करवा रही है। बीजेपी के पास विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर जेडीयू केस करने के लिए तैयारी में है, जिसको लेकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पटना में हैं। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम नौबतपुर में 13 से 17 मई तक होने वाला है। राजनीतिक घमासान के बीच राज्य समेत देश भर में हजारों की तादाद में लोग पटना के नौबतपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इस बीच मंगलवार को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के पुजारियों ने तिलक लगाकर माला पहनाते हुए बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। वहीं बाबा को देखने और उनसे मिलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। बाबा सबको आशीर्वाद देते हुए मंदिर के अंदर पहुंचे। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है। मामला 2020 का है। ये केस विजय कुमार यादव के द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती दी थी, अब इसे वापस ले लिया गया है। मामले में न्यायाधीश सुनील कुमार पवार की कल पीठ ने सुनवाई की। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया है कि विजय कुमार यादव ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 के तहत तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर जानकारी को छुपाया था।
बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन कार्यक्रम में जाने से इनकार करने पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। हनुमंत कथा में वोट नहीं है, इसलिए ये लोग हनुमंत कथा से परहेज करते हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तुष्टिकरण की सरकार है। बता दें कि सोमवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों को तो निमंत्रण आते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा और काम करने में अपना समय लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह से टूट गया है और अब नीतीश सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में फंस गई है। दरअसल बिहार की महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने पर जोर दे रही है, जबकि नीतीश कुमार ने पीएम प्रत्याशी की रेस से खुद को बाहर कर लिया है और पूरी तरह विपक्षी एकता को मजबूत करने के मिशन पर डटे हैं। गया के आमस थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पुलिस की गश्ती वाहन में छीरी रोड चंडी स्थान के पास टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस की जीप पलट गई। वहीं पुलिस कर्मी गाड़ी के अंदर फंस गए, वहीं चालक अज्ञात वाहन लेकर फरार निकला। दुर्घटना के आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस की जीप में फंसे जवानों को बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने ही मोबाइल से आमस थाना के पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी और कई जवान अस्पताल पहुंचे और अपने साथियों का हाल जाना। इस हादसे में आमस थाना के पुलिस सब इंस्पेक्टर बुआ नारायण पासवान सहित सभी सैप के 4 जवान घायल हुए हैं। समस्तीपुर में कार और पुलिस वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इसमें एक एएसआई सहित 5 होमगार्ड जवान शामिल हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। छापेमारी से लौटने के दौरान ये घटना घटी। वहीं कार सवार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बैंगन चौक के पास की है। कार चालक के नींद में रहने के कारण यह हादसा हुआ है। दूसरे वाहन में भी लोगों के घायल होने की सूचना है, हालांकि डर से वे लोग मौके से फरार हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया है, जिसमें से एक एएसआई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो फिलहाल के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।